जैन, मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। वो आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी में जो आपका यूनिट वन का टॉपिक है बायोजेनेटिक स्टडीज का। इसमें आपने पार्ट वन देख लिया था, आईजीएम मैंने बता दिया था, इसमें आइसोलेटेड ऑर्गेन टिश्यू ग्राफ्टिंग मेथड म्यूटेंट स्ट्रेन आपने देख लिया था। अब हम टी यानी ट्रेसर टेक्निक की बात करेंगे। और ट्रेसर टेक्निक में देखिए क्या है कि ट्रेसर टेक्निक क्या होती है, नंबर वन, नंबर टू सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग आइसोटोप ऑफ ट्रेसर और स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, ये आपको देखना है। तो देखिए पहले हम ट्रेसर टेक्निक क्या है ये जानेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ आइसोटोप या ट्रेसर, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, इसको शॉर्ट समराइज्ड वे में, ट्रिकी वे में हम आपको बताते हैं। और आप इसको देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि जब हम रेडियो एक्टिव की ट्रेसर टेक्निक की बात करेंगे तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और ट्रेसर्स आर यूज इन ट्रेसर टेक्निक फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द बायोसिंथेटिक पाथवेज। यहाँ पे क्या है, ट्रेसर का मतलब है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी द टेक्निक इन विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इज कॉल्ड एज ट्रेसर टेक्निक, एंड ट्रेसर टेक्निक इज यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द बायोसिंथेटिक पाथवेज। ठीक है, और वो कौन से ट्रेसर्स हैं, कौन से आइसोटोप्स हैं जो यूज किए जाते हैं, तो आइसोटोप्स और ट्रेसर्स यूज आर 14C, 3H, 35S, 32P, I131 यूज करते हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि जो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव ट्रेसर हम यूज कर रहे हैं, आखिर ऐसे क्राइटेरिया क्या है कि इनको सेलेक्ट किया जाए। तो हम वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप सेलेक्ट करेंगे जिनका हाफ लाइफ, यानी इट शुड हैव हायर हाफ लाइफ, इट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द रिएक्शन सिस्टम, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शुड बी नोन। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द क्राइटेरिया फॉर आइसोटोप या ट्रेसर सेलेक्शन, तो इसमें क्या है, इट शुड हैव हायर हाफ लाइफ यानी डी हाफ, इट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द रिएक्शन सिस्टम, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शुड बी नोन, ये क्राइटेरिया में हो गया। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है ट्रेसर टेक्निक का, तो सिग्निफिकेंस में क्या है, हाईली सेंसिटिव, यूज्ड इन लिविंग सिस्टम, इजी प्रोसेस, मोर रिलायबल, प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट्स, यानी हम वो टेक्निक सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके रिजल्ट एक्यूरेट मिलेंगे, रिलायबल मिलेंगे, इजी प्रोसेस है, हाईली सेंसिटिव है और लिविंग सिस्टम में यूज होता है। ठीक है ना, ये आपका सिग्निफिकेंस हो गया। फिर बात आती है एप्लीकेशन को भी देख लीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर टेक्निक, हम इसका एप्लीकेशन क्या करेंगे, अगर हम ट्रेसर टेक्निक हमारे पास यूज कहाँ करेंगे, तो देखिए इट इज यूज टू ट्रेस द बायोसिंथेटिक पाथवे, बायोसिंथेटिक पाथवे को ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी के लिए, वेरियस इंटरमीडिएट्स की स्टडीज के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए, इट इज यूज टू ट्रेस द बायोसिंथेटिक पाथवे, जैसे प्रूनेसिन बाई 14C ट्रेसर, 14C 3H लेबल्ड मेवलोनिक एसिड इज यूज फॉर स्टडिंग स्क्वालिन साइक्लाइजेशन, टू स्टडी पाथवे ऑफ काउमेरिन, टू स्टडी वेरियस इंटरमीडिएट्स, टू स्टडी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दीज आर द एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर टेक्निक। तो आपने अभी क्या देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, क्राइटेरिया देख लिया, सिग्निफिकेंस देख लिया और एप्लीकेशन देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रेसर टेक्निक, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा कि राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रेसर टेक्निक। तो देखिए फोर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रेसर टेक्निक में। फर्स्ट स्टेप जो होता है वह है लेबल्ड कंपाउंड का प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम, इसमें शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा RSDWFS। और थर्ड है सेपरेशन एंड डिटेक्शन टेक्निक। फोर्थ है मेथड्स फॉर ट्रेसर टेक्निक। क्या क्या हो गए आपके, फर्स्ट हो गया प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड, सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम, और सेपरेशन एंड डिटेक्शन टेक्निक और मेथड्स फॉर ट्रेसर टेक्निक। तो ये आपके हो गए, मैंने बोला ना क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आपका है प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड, सेकंड स्टेप क्या है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम, थर्ड आपका है सेपरेशन एंड डिटेक्शन टेक्निक, फोर्थ आपका है मेथड्स फॉर ट्रेसर टेक्निक। तो अब देखिए मेथड्स में क्या है आपके, आपका है प्रिकर्सर प्रोडक्ट सिक्वेंस, ठीक है, फिर आपका डबल एंड मल्टीपल लेबलिंग, और फिर आपका कॉम्पिटिटिव फीडिंग, फिर आपका आइसोटोप इनकॉर्पोरेशन और सिक्वेंशियल एनालिसिस, ये हैं। इसको देखिए शॉर्ट समराइज वे में, प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड में आप सिंपल लेबल्ड कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड, एग्जांपल 14C 3H लेबल्ड कंपाउंड, ठीक है। फिर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम,
तो हम जो लेबल्ड कंपाउंड बन गया है उसको बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे इंट्री करेंगे, कैसे उसको हम इंजर्ट करेंगे, इसके लिए देखिए क्या है आपका, एक तो रूट फीडिंग है यानी जब हम रूट में इंजर्ट करते हैं जैसे कि टोबैको के केस में, फिर आपका स्टेम फीडिंग यानी स्टेम एंड पे हम इसको फीड करेंगे, फिर है डायरेक्ट इंजेक्शन, जो प्लांट्स में होलो स्टेम होते हैं वहाँ पर हम डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू देते हैं जैसे कि ओपियम पॉपी के केस में, या वीक फीडिंग, फ्लोटिंग मेथड, स्प्रे टेक्निक स्टेरॉइड्स के केस में यूज़ करते हैं। तो ये आपका लेबल्ड कंपाउंड को बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका तरीका हो गया, ठीक है। और सेपरेशन और डिटेक्शन टेक्निक जो आपके पास अवेलेबल हैं उसमें जैसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, NMR बोले तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑटो रेडियोग्राफी, GM काउंटर, लिक्विड सिंटिलेशन चैम्बर, गैस आयोनाइजेशन चैम्बर का यूज कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेसर टेक्निक में क्वेश्चन अगर आता है, देखिए इसमें प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस में क्या होता है, हमने लेबल फॉर्म लिया, प्लांट में इंजर्ट किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट की रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो ये जैसे कि मॉर्फिन एंड अर्गट एल्कलॉइड के बायोजेनेसिस में हम करते हैं। डबल एंड मल्टीपल लेबलिंग में क्या है, हम जैसे मॉर्फिन एल्कलॉइड की स्टडी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो बायोजेनेसिस स्टडी है वो हम करते हैं इसमें। कॉम्पिटिटिव फीडिंग में क्या है, दिस मेथड गिव्स इंटरमीडिएट्स दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग बायोजेनेसिस, ये इंटरमीडिएट स्टडी के बारे में है, जैसे कि आप प्रोपेन एल्कलॉइड की बायोजेनेसिस पढ़ते हैं, एल्कलॉइड की बायोसिंथेसिस 14C लेबल कंपाउंड का यूज़ करके देखते हैं। आइसोटोप इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, इसमें हम बॉन्ड क्लीवेज और उनके फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। और सिक्वेंशियल एनालिसिस में है, जैसे प्लांट ग्रोथ हम 14CO2 यानी कि 14C लेबल्ड इन्वायरमेंट है, हम वहाँ प्लांट ग्रोथ दे है और उस ग्रोथ को एनालाइज करते हैं ग्रेजुअली। तो ऐसे जैसे कि एग्जांपल में आपका ओपियम फॉर्मेशन में और टोबैको एल्कलॉइड्स के केस में ये हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका टोटल जो है ट्रेसर टेक्निक के बारे में हो गया, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके AKTU के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आप ट्रेसर टेक्निक में जितना बताया गया है ये मोर देन सफिशियंट है, आप इसको देखिएगा, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। बाकी हमारे चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।